लिख लिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? तो अगेन आई सेड दैट ऑल बॉयज आर चेयर्स. व्हाट डज इट मीन? ऑल बॉयज आर चेयर्स मीन्स इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और सेकेंड टर्म विल बी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. इट इज क्लियर? डू नॉट टेक इट लाइटली. आई सेड दैट 4-5 years बैक दिस क्वेश्चन हैज कम और एक साथ आए तो 4-5 क्वेश्चन थे एंड यदि आया तो 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन. सो ऑल बॉयज आर चेयर्स मीन्स फर्स्ट टर्म इज वॉट एंड सेकेंड टर्म इज? इट इज क्लियर? इन केस ऑफ ए विच वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड? अरे बॉयज नहीं, फर्स्ट टर्म. हाँ बॉयज खोजते रहना. फिर हमने क्या बोला? फर्स्ट टर्म इज. कैन यू रिमेंबर इन योर माइंड? यस आर नॉट? अगेन नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज क्लियर? एवरी वन इज क्लियर? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ ले. फर्स्ट टर्म इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि जब भी मैंने बोला आई सेड दैट ऑल पेन्स आर पेंसिल्स दो दिस इज वॉट आई सेड दैट एंड पेंसिल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. यस आर नॉट? अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू से आई हैव गिवेन 0 चॉकलेट्स टू ऑल ऑफ यू. क्या हैव यू गॉट 0 चॉकलेट्स? अरे यस आर नॉट? अरे हैव यू गॉट 0 चॉकलेट्स? सभी लोग यस कह रहे हो ना? तो हैव, इसी को मैं दूसरे टर्म में कहने जा रहा हूं. मैं नो चॉकलेट्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स. व्हाट डज इट मीन? अरे नो चॉकलेट्स आर गिवन टू द स्टूडेंट. व्हाट डज इट मीन? नो वन. मैं किसकी बात करने जा रहा हूं? ई की. ई का स्टेटमेंट क्या होता है? आई सेड दैट नो बॉयज आर, आई सेड दैट व्हाट? चीयर्स. अगेन मैंने बोला नो चॉकलेट्स टू गिवन टू ऑल ऑफ यू. सभी लोग बोलेंगे सर आई हैव गॉट 0 चॉकलेट्स, आई हैव गॉट. अरे बोलोगे कि नहीं? yes. सभी का सेम स्टेटमेंट आएगा कि डिफरेंट स्टेटमेंट होगा? सो कैन आई से दैट नो के केस में भी इट इज कंप्लीटली नो या कंप्लीटली यस? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. यस आर नॉट? इट विल बी वॉट? तो आप लोग सभी में जैसे कहा जाता है, आप लोग को वो मैं कराता नहीं हूँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक टॉपिक होता है 6 bananas को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. 1 banana, 2 banana, 3 banana, 4 banana, 5 banana, 6 banana और आई हैव गिवन 9 banana. कितने तरीके से? 7 ways. यस आर नॉट? यस आर नॉट? अच्छा बनानास डिफरेंट होते हैं या सेम? ऑल आर सेम. ऑल आर सेम ये कंसिडर करते हैं हम लोग. तो कभी भी 6 चीज सेम हो और उसको हाउ मेनी वेज यू कैन डिस्ट्रीब्यूट? वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इन वे 7 ways क्योंकि उसमें 1 0 है. नहीं दिया मैंने आपको, मेरी बात समझ रहे हैं आप? सो दैट इज ऑल्सो वट डिस्ट्रीब्यूशन. तो आई सेड दैट नो बॉयज आर चेयर्स मीन्स नो बॉयज आर वट? नो बॉयज आर, तो कंप्लीटली दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड. और मैं इधर से भी कह सकता हूं नो चेयर्स आर बॉयज. अरे कैन आई से? इफ आई से दैट, कोई अंतर है क्या? कोई दोनों में मैचिंग है? देर इज नथिंग, दे आर कोरिलेटेड विद इच अदर. इसका मतलब है आई कैन से नो बॉयज आर चेयर्स और आई कैन से नो चेयर्स आर. इसका मतलब है बहुत था. इट इज क्लियर टू यू? यस आर नॉट? इन केस ऑफ ए हु इज डिस्ट्रीब्यूटेड? टेल मी फास्ट. ओनली द फर्स्ट मीन्स ए एंड सेकेंड टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. यस आर नॉट? अगेन आई से दैट यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. यदि इसको अच्छे से कर गए तो फिर उसके बाद आई सेड, हमने क्या बोला? इन केस ऑफ ए फर्स्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड. इन केस ऑफ ए फर्स्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकेंड टर्म इज. दिख रहा है ना पिक्चर? व्हाई एम आई सेइंग? Another point I said that in case of no, E, no boys are chairs means both the are what? Completely 0 distributed in each other. Ab chair bhi boys mein nahi distributed hai aur boys bhi chairs mein nahi distributed hai. Yes or not? It means 0 distribution. It means both are distributed. Next point I said that
ई आई, और आई के केस में क्या होता है, सम बॉयज आर, सम बॉयज आर चेस, व्हाट आई हैव सेड दैट सम बॉयज आर, इज इट क्लियर, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब कुछ ही बॉय चेयर्स है, ऑल बॉयज नहीं है, यस और नो, एंड कुछ ही चेयर्स क्या है, बॉयज है, तो दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कंप्लीटली, यस और नो, सम मींस दे आर नॉट कंप्लीटली, दोनों तरफ से इट कैन बी सेड एज सम बॉयज आर चेयर्स एंड फ्रॉम दिस साइड आई कैन से व्हाट, सम चेयर्स आर बॉयज, यस और नो, इट मींस बोथ आर नॉट, सो इन केस ऑफ आई बोथ आर, इतना याद हो गया, इन केस ऑफ ए, यस टेल मी, इन केस ऑफ ए, बिना देखे एवरीवन, क्यों एक ही लड़की बोलने वाले, दूसरे तो सब सुनने वाले, इन केस ऑफ ए फर्स्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकंड टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इन केस ऑफ ई बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इन केस ऑफ आई बोथ आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, सम यस आर नॉट, आई सम बोथ आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अब फोर्थ स्टेटमेंट की ओर जा रहे हैं, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है, यस टेल मी, सम बॉयज आर नॉट चेस, और इसमें हम लोग बॉयज को क्या रखते हैं बाहर, यस आर नॉट, द फर्स्ट स्टेटमेंट अभी मैंने ड्रॉ करवाया आपसे, सम बॉयज आर नॉट चेस, यस आर नॉट, सम बॉयज आर व्हाट, तो बॉयज बाहर रहेगा, इसमें 70 बॉयज आर नॉट चेयर्स, बट क्या आपको लग रहा है चेयर इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉयज, अरे चेयर इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फिगर, किसको आप कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड देख रहे हैं, यदि मैंने बोला सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स, तो इसका मतलब क्या होगा, यस टेल मी, पेन शुड बी आउटसाइड, पेंसिल शुड बी व्हाट, और ये सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, लेकिन पेंसिल इज व्हाट, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द पेन, तो इसके केस में क्या होगा, सम पेन आर नॉट पेंसिल, ये सेकंड टर्म होगा, वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, यस आर नॉट, सम बॉयज आर नॉट चेस, सेकंड टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सम पेन्स आर नॉट पेंसिल मींस पेंसिल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यस आर नॉट, इन केस ऑफ ओ फर्स्ट टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बट द सेकंड टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके लिए अगेन दोबारा मैं आ रहा हूं सो दैट यू कैन रिवाइज इट, ए मैंने क्या बोला, सम बॉयज आर व्हाट, आई सेड दैट सम बॉयज आर, सॉरी ऑल बॉयज आर, तो बॉयज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड विन द चेयर्स, सो द फर्स्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ ऑल बॉयज एंड चेयर, चेयर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यस आर नॉट, क्योंकि चेयर की संख्या ज्यादा है, सारे चेयर बॉयज नहीं हो सकते, होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि एक दूसरे में समाहित हो या एक दूसरे में बिल्कुल समाहित ना हो, इट शुड नॉट बी व्हाई आई सेड दैट इन्वॉल्व इन द अदर, कंप्लीटली इन्वॉल्व और नाइदर इन्वॉल्व, इज इट क्लियर, यस आर नॉट, सो बॉयज मींस इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, देन आई सेड दैट No boys are chairs. No boys are. So दोनों आपस में क्या है? Completely not distributed. इसका मतलब not word है ना? Yes or not? Complete. इसका मतलब zero distribution in each other. Is it clear? So it is zero completely distributed inside it, and it is completely zero distributed inside it. Means both are. कैसा distribution है? Zero का. And I said that. Another. No pens are pencils. Yes or not? No pens are again both are what distributed completely okay. उसके बाद बोले मैंने I, E इसके लिए I, I में मैंने बोला yes tell me, some pens are pencils. इससे देख इस word से ही हमें पता चल रहा है कि both दोनों क्या हैं not distributed. It is clear yes. And thereafter I said not distributed, not distributed in case of I, and okay case में मैंने बोला some pens are what, some pens are not pencils, so pencil will come inside,
and pencil is completely distributed in the pen. The second term, in case of O or some knot, it will be always distributed. First term will not be distributed. It is clear to you? Ek bar acche se dekh le and write down 5 times this. फटाफट 5 टाइम्स लिखे. ओनली दिस मच. कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है. 5 टाइम्स. और अगेन आई सेड दैट इफ यू आर नॉट गुड एट दिस, आपसे नहीं होगा आज के टॉपिक. यू शुड रिमेंबर कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड. विच वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, विच वन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. इन केस ऑफ ए, यस टेल मी, फर्स्ट टर्म इज एकदम कंप्लीटली. आपको मैं बोल रहा हूं कि 99% रोल ऑफ दिस टॉपिक, दिस पार्ट. क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करने जाऊंगा तो पहला ही स्टेटमेंट मैं ऐसा ही बोलूंगा कि ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड. And on the basis of that, we will solve it. And we will do 16 types of question. Do you know that? आप लोग आज तक तो पहली बार types ही नहीं जानते थे, ऐसा भी होता है क्या? Five times.